नमस्कार, मैं कविता ठाकुर स्वागत करती हूँ यूपी लाइव 100 न्यूज में। आइए हम नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खास खबरों पर। योगी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल की फिजली जवान सपा बसपा महागठबंधन के प्रत्याशी भाईलाल कौल को जिताने की अपील। आपको बता दें कि सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज हाईडील फील्ड में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पहुंची योगी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल स्टेज पर चढ़कर जनता को संबोधित कर रहे थे और सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे थे। तभी जवान अचानक फिसल गई और कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान उन्होंने सपा बसपा महागठबंधन के प्रत्याशी भाईलाल कौल को जिताने की अपील कर डाली। यह सुनकर अपना दल सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित बीजेपी के सारे कार्यकर्ता अवाक रह गए। इस दौरान अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष सिंह पटेल और बीजेपी के तीनों विधायक सहित कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। निषाद राज पार्टी का है, इस सीट पर हम सबको कप और प्लेट पर मोहर लगा करके भारी बहुमत से भाईलाल कौल जी को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। मेरे भाई की जिम्मेदारी है, उस बात को स्मरण करिएगा, केवल एक बात स्मरण करिएगा, वे सरदार पटेल और नेहरू की घटना इतिहास सुनते हैं। उस समय देश का प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो देश की तकदीर दूसरी होती। मित्रों चाहते हैं, इसलिए हम सबको बड़ी जिम्मेदारी है कि हम यहाँ पे जो कमल और कप लेता अटूट संबंध है वो सब जन जन तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें यूपी लाइव 100 न्यूज।